मेरा नाम जी डॉक्टर रिजवान है, मैं सर्जरी डिपार्टमेंट में होता हूँ, सर्जन हूँ। और कुछ थोड़ी सी हिदायतें रमज़ान के हवाले से, जो रोज़ा रखेंगे उनके लिए मैं एडवाइस करूँगा। मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है और इस गर्मी में लोगों को अक्सर व बेशतर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या कब्ज़ हो जाती है और उसके प्रॉब्लम्स होते हैं। वो इस वजह से कि सारा दिन आप पानी नहीं पीते, काम करते हैं, एयर कंडीशनर आपके चलते हैं, उसमें से आपके जिस्म से पानी निकल जाता है और पानी की कमी इफ्तारी तक अच्छी खासी हो जाती है जिस्म में। अब एक ही आपके पास ऑप्शन रह जाता है कि इफ्तारी और सहरी के दरमियान आपको उस पानी की कमी को किसी न किसी तरीके से पूरा करना होता है। एक और मसला भी होता है कि इफ्तारी पे और सहरी पे आपकी ग़िज़ा जो है वो नॉर्मल के मुकाबले में चेंज हो जाती है, यानी कि कुछ तली हुई चीज़ें, कुछ रोटी की शायद कमी भी हो जाती है या भूसे की कमी भी हो जाती है। इसकी वजह से आपको कब्ज से कॉन्स्टिपेशन होने के अंदेशा होता है। तो मेरी तो आप लोगों को ये सजेशन ये होगी, रोज़ा तो रखना है, तो मेरी आपको सजेशन ये होगी कि इस पानी की कमी और इस ग़िज़ा के अंदर फाइबर की कमी को पूरा करने के लिए आप इफ्तारी पे और सहरी पे दोनों पे अपना कुछ एडिशन कर दीजिए। इफ्तारी और सहरी के दरमियान तो आप पानी का इस्तेमाल कसरत से करिएगा और इफ्तारी पे जब भी आप कोई शरबत या कोई मशरूब लें तो साथ आप उसके बेशक इसबगोल की भूसी ले लें। अपनी ग़िज़ा के अंदर आपको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह सहरी पे भी आप इसबगोल की भूसी दो चाय के चम्मच एक बड़े गिलास पानी के अंदर हल करके या घोल के आप अगर ले लेंगे तो इंशाल्लाह परेशानी नहीं होनी चाहिए। पानी का या लिक्विड्स का कसरत से इस्तेमाल और इसबगोल का सुबह और शाम को लेना। बहरहाल इसके बावजूद मसले खड़े होंगे, लेकिन अगर कम हो तो वो आपके लिए बेहतर है।